जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय विष्णुपाद परमहंस पारिव्राज का आचार्य श्री श्रेष्ठोक्तर सश्रीहित डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस पारिव्राज का आचार्य श्री श्रेष्ठोक्तर सश्रीहित डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की,
प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की सामवेत भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो गुरु गौरांग की जय हो निताई गौर प्रेमानंदे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराण के नवे स्कंद के अध्याय क्रमांक 6 व श्लोक क्रमांक 28 से 40 उत्थितस्ते निष्मयात् व्यूढकं कलशं प्रभो प्रपच्छुकस्य कर्मेदं पीतं पुंसवनं जलम् जब समस्त ब्राह्मण जगे और उन्होंने देखा कि जल पात्र खाली है तो उन्होंने पूछा कि संतान उत्पन्न करने वाले उस जल को किसने पी लिया है। राज्ञा पीतं विदित्वा वे ईश्वर प्रहितेन ते ईश्वरस्य नमश्चक्रु अहो देव बलम बलम। जब ब्राह्मणों को यह ज्ञात हुआ कि शुद्ध नियता ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर राजा ने जल पी लिया है तो उन्होंने विस्मित होकर कहा ओ विधाता की शक्ति ही वास्तविक शक्ति है, ईश्वर की शक्ति का कोई भी निराकरण नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने श्री भगवान को सादर नमस्कार किया। तत्काला उपावृत्ते कुक्षिम निर्भिद्या दक्षिणम युवनास्य तनस्य चक्रवर्ती जजानः। तत्पश्चात कालक्रम से राजा युवनाश्व के उदर के दाहिनी ओर के निचले भाग से चक्रवर्ती राजा के उत्तम लक्षणों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कम धासयति कुमारो यम स्तने रोरुयते भृशम
माम धाता वत्स माम रोदेर इतिंद्रो दिशिनिम अदात। चूंकि उस बालक के पिता युवनाश्व को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः वह मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। इस घटना के पश्चात उसने कठिन तपस्या की और उसी स्थान पर पूर्णता प्राप्त की। नममार्पिता तस्य विप्रदेव प्रसादत युवनाश्वो अथ तत्रेव तपसा सिद्धिम अन्वगात। चूंकि उस बालक के पिता युवनाश्व को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः वह मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। इस घटना के पश्चात उसने कठिन तपस्या की और उसी स्थान पर पूर्णता प्राप्त की। त्रस्द्रशूर इतिंद्रो अंग विद्धदे नाम यस्य वे यस्मात्र शन्ति ही उद्विग्णा दस्वो रावणाधव यौवनाश्वो अत मान्धाता चक्रवती अवनिम प्रभु सप्तदीवपुत्वम् एक शाशसाच्युत तेजस। युवनाश्व पुत्र मंधाता रावण तथा चिंता उत्पन्न करने वाले अन्य चोर उचक्कों के लिए भय का कारण बना था। हे राजा परीक्षित, चूंकि वे सब उससे भयभीत रहते थे, अतएव युवनाश्व का पुत्र त्रसदस्यु कहलाता था। यह नाम राजा इंद्र द्वारा रखा था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से युवनाश्व पुत्र इतना शक्तिशाली था कि वह सम्राट बना तो उसने 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण विश्व पर शासन किया। वह दूसरे किसी शासक के बिना अकेला ही शासक था। इज्जे च यज्ञं कृतुभिर् आत्मविद् भूरि दक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकं अतीन्द्रियं द्रव्यं मंत्रो विधिर्यज्ञो यजमानस् तथर्विजः धर्मो देशश्च कालश्च सर्वम् एतद् यद् आत्मकम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महान यज्ञों के कल्याणकारी पक्षों अर्थात यज्ञ की सामग्री, वैदिक स्त्रोतों का उच्चारण विधि विधान, यज्ञकर्ता पुरोहित, यज्ञ फल, यज्ञशाला, यज्ञ के मुहूर्त इत्यादि से भिन्न नहीं है। मंधाता ने आत्म साक्षात्कार के नियमों को जानते हुए दिव्य पद पर स्थित परमात्मा स्वरूप उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा की, जिनमें समस्त देवतागण समाहित रहते हैं। उसने ब्राह्मणों को भी प्रचुर दान दिया और इस प्रकार उसने श्री भगवान की अर्चना करने हेतु यज्ञ किया। यावत् सूर्य उदेति सम यावत् च प्रतिष्ठितति तत्सर्वं यौवनाश्वस्य मन्धातु क्षेत्रम उच्यते। क्षितिज में जहाँ से सूर्य उदय होकर चमचमाता है और जहाँ सूर्य अस्त होता है, वे सारे स्थान युवनाश्व के पुत्र सुविख्यात मंधाता के अधिकार में
माने जाते हैं। शशबिन्दोर्धूतितरी बिंदु मातयाम अधानृप पुरुकुत्सम अम्बरीशम मुचुकुंदम च योगिनम तेषां स्वसरा पंचशात शौभरीम वविरे पतिम। शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती के गर्भ से मंदाता को 3 पुत्र हुए। इनके नाम थे पुरुकुत्स, अम्बरीश तथा महान योगी मुचुकुंद। इन 3 भाइयों की 50 बहनें थीं जिन्होंने शौबरी ऋषि को अपना पति चुना। यमुना अंतर जले मगनस दोराई तप्यमाना परमं तपः निर्वृत्तिं मीनराजस्य दृष्ट्वा मैथुन धर्मिणा जात स्पृहो नृपं विप्र कन्याम एकाम अयाचत सोऽपि आहा घृत्तां ब्रह्मण कामं कन्या स्वयंवरे। कोई दोहराना चाहे दोहरा सकते हैं। अश्नवीस शब्दार्थ। यमुना अंत जले, यमुना नदी के गहरे जल में मग्नः पूर्ण रूपेण डूबकर तप्यमानः तपस्या करते हुए
परमा असामान्य तपः तपस्या निवृत्तिम आनंद सुख मीन राजस्य बड़ी मछली का दृष्टवा देखकर मैथुन धर्मिणा मैथुन रथ जात स्प्रिहः मन चलायमान ओ उठा नृपम राजा मंधाता के समीप विप्रह ब्राह्मण शौबरी ऋषि कन्याम एकाम एक कन्या अयाचत मांगा स उस राजा ने आपी भी आहा कहा गृहताम आप ले सकते हैं बृहन हे ब्राह्मण कामम चाहती है कन्या पुत्री स्वयंवरे स्वयं चुनाव में स्वयंवर में अनुवाद व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की शौबरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में लीन थे कि उन्होंने मछलियों के एक जोड़े को संभोगरत देखा इस प्रकार उन्होंने विषयी जीवन का सुख अनुभव किया जिससे प्रेरित होकर वे राजा मानधाता के समीप गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा हे ब्राह्मण मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है तात्पर्य यहाँ शौबरी ऋषि की कहानी का आरंभ होता है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार मानधाता मथुरा के राजा था शौबरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या कर रहे थे जब ऋषि में कामेच्छा जागी तो वे जल से बाहर निकले और राजा मानधाता के पास जाकर उन्होंने कहा कि वे अपनी एक पुत्री का विवाह उनसे कर दें ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयिहं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सहजीवं सावदेतं सवदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा निवितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत
राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पदितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमाम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिने। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद, हार्दिक स्वागत और सबके आशीर्वाद की कामना करते हुए आज के श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। शौबरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में लीन थे और ये तपस्या शौबरी ऋषि हजार वर्ष से कर रहे थे और शौबरी ऋषि इस तपस्या के दौरान समाधि में पहुंच चुके थे। वो कोई तपस्या के कष्ट वाले भाग में नहीं थे, संघर्षशील नहीं थे। साधारणता जब साधना भक्ति की बात करते हैं तो साधना का अभिप्राय संघर्ष है, लेकिन यहाँ शौबरी ऋषि समाधि अवस्था के अंदर थे और 1000 वर्ष से बैठे थे। हम साधारण अवस्था में भी आरामदायक जगह पर बैठकर अगर 16 माला करते हैं तो भी ध्यान नहीं लगता है और वो 2 घंटे में समाप्त हो जाती हैं लगभग। कोई व्यक्ति अगर शौबरी ऋषि की तपस्या का अनुमान लगाना चाहे तो पानी के टैंक में 1 माला बैठकर करके देख ले तो पता चलेगा कि 1000 वर्ष तक जो तपस्या कर बैठे थे कि क्या उनको किस प्रकार का अवस्था में वो थे। और जिस समय 1000 वर्ष की तपस्या के उपरांत शौबरी ऋषि बाहर आए तो पूरा शरीर गल चुका था उनका। पानी में कुछ देर हाथ पैर कुछ डालकर रखो शरीर का अंग तो सिलवटें पड़ जाती हैं हाथ पैर में, त्वचा के अंदर। 1000 वर्ष तक पानी में रहने के बाद जब बाहर निकले होंगे तो कैसे दिख रहे होंगे। पूरा तरह से शरीर गला हुआ था, उसको देखकर भी डर लगता था उनको, इस प्रकार के शरीर की अवस्था पहुँच चुकी थी। और ऐसे शारीरिक अवस्था में वो राजा मानधाता के पास जाकर कहते हैं अपनी 1 कन्या दे दो, और वो भी कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो राजकुमारी थी। तो 50 राजकुमारियां थी राजा मानधाता की, 50 पुत्रियां थी और उनमें से वो कह रहे थे कि 1 से मेरा विवाह कर दो। तो राजा मानधाता उनकी अवस्था को देखकर डर गए, उनके रूप को देखकर डर गए कि इनसे कौन विवाह करेगा। लेकिन क्योंकि वो ऋषि थे, तपस्वी थे, बड़े सिद्ध अवस्था में थे, डर भी गए साथ में, ना भी कैसे करूं। तो बोला इन पुत्रियों से आप स्वयं पूछ लो जाकर, अगर वो आपसे करना चाहें तो मुझे कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। तो राजा मानधाता जब उनके पास गए तो वो 50 की 50 राजकुमारियां उनके रूप को देखकर भयभीत हो गईं और कोई भी हाँ नहीं कर पा रहा।
तो शौबरी ऋषि तब समझे कि ये क्यों इस प्रकार से व्यवहार कर रही हैं, और उन्होंने अपनी योग सिद्धि से अपने रूप को बदला और बड़े आकर्षक सुंदर एक राजकुमार की भांति बन गए। और उनको देखकर 50 की 50 ने बोला हम विवाह करेंगे, वो एक से करने आए थे, लेकिन 50 की 50 तैयार हो गई। और शौबरी ऋषि ने 50 राजकुमारियों से विवाह किया। कहाँ 1000 साल तक इतनी कठिन तपस्या में पानी के नीचे बैठे हैं, और जब भोग करने पर आए तो सीधा 50 की 50 राजकुमारियों से विवाह कर बैठे, और उन 50 को संतुष्ट भी कर पा रहे थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी इच्छा के लिए उनसे विवाह कर लिया, वो 50 की 50 को अपने से प्रसन्न भी रख पा रहे थे। और ये सारी आपस में बहनें थीं। तो एक बार राजा मानधाता शौबरी ऋषि के पास आते हैं देखने की मेरी पुत्रियों को कैसे रखा है इन्होंने, वो ठीक से रखा भी है या कुछ वो ठीक अवस्था में नहीं है, नाराज़ हैं, क्या है उनकी हालत कैसी है। तो जब देखने गए तो शौबरी ऋषि ने जो अपना ऐश्वर्यशाली महल का निर्माण किया था उन 50 राजकुमारियों को रखने के लिए, उसको देखकर राजा मानधाता शर्मा गए कि ऐसा ऐश्वर्य तो उन्होंने कभी अपने जीवन में सोचा तक नहीं था। जो शौबरी ऋषि उन राजकुमारियों के लिए जिस महल को बनाकर बैठे हुए थे, तो ये उनकी योग सिद्धि से, ये उनके योग बल का परिणाम था। और शौबरी ऋषि ने हर राजकुमारी से 10-10 संतानों की उत्पत्ति की थी। और इस तरह से शौबरी ऋषि 1000 साल की तपस्या के बाद ऐसी स्थिति में आकर गिरे थे। और ये हुआ कैसे कि इतनी तपस्या करने के बाद भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ, इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी हृदय में भोग इच्छा बनी थी? तो एक बार गरुड़ जी भगवान के जो वाहन है, जहां वो तपस्या कर रहे थे वहां अपना शिकार ढूंढने आ गए। तो 2 मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और ये मछलियां दौड़कर शौबरी ऋषि के आश्रय में आ गई और कहने लगी आप हमें बचाइए, आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी रक्षा के लिए वो उनसे प्रार्थना करने, निवेदन करने लगी। और शौबरी ऋषि को लगा कि मैं आश्रय देने वाला हूं, मैं दाता हूं। और शौबरी ऋषि ने गरुड़ जी को कहा ये मेरे आश्रय में है, तुम इन्हें हाथ नहीं लगाओगे। अब गरुड़ जी वैष्णव हैं और परम वैष्णव के प्रति अपराध हो गया, भगवान के वाहन के प्रति। तो जब गरुड़ देव के प्रति अपराध हुआ तो इस अपराध का, इस वैष्णव अपराध का परिणाम ये था कि मन में भोग इच्छा आ गई। तो ये वैष्णव अपराध हमारे जीवन में करते हैं कि भले इतने हजारों वर्ष की तपस्या थी, इतनी साधना थी, लेकिन अगर कभी अपराध हो जाए और वो भी भगवान के भक्तों के प्रति हो जाए, वैष्णवों के प्रति हो जाए, तो इसकी प्रतिक्रियाएं इतनी विनाशकारी व इतनी प्रभावकारी हैं कि हजारों वर्षों की तपस्या एक तरफ और वो गरुड़ जी के प्रति किया गया अपराध एक तरफ। इसलिए जीव गोस्वामी जी लिखते हैं जब उत्तम अधिकारी के प्रति अपराध हो तो तुरंत प्रतिक्रिया आती है, मध्यम अधिकारी के प्रति अपराध हो तो कुछ समय के बाद, और कनिष्ठ अधिकारी के प्रति अगर अपराध हो तो काफी समय के बाद प्रतिक्रिया आती है, लेकिन हर अपराध की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से आती है। कई बार हम वैष्णवों के प्रति कुछ अपराध कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है हमारी साधना, भक्ति, सेवा सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ अंतर तो पड़ा नहीं, इसका मतलब मैं सही था, वो एक्चुअली गलत था। मैं सही था तो मैंने सही किया, उसके प्रति कुछ कहकर, उसकी भर्सना कर कर, उसके प्रति दोष दर्शन कर कर,
लेकिन अगर हमारा अधिकार नहीं है, हम गुरु या अधिकारी के पद पर नहीं हैं, तो फिर हर अपराध की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से हमारे जीवन के अंदर फलीभूत हो जाती है। कुआलालंपुर नाम का एक शहर है मलेशिया में, वहाँ पर एक ब्रह्मचारी था मंदिर में, बड़ी अच्छी सेवा करता था, बहुत समर्पित था। लेकिन जैसे कि कहा गया है ना कि एक व्यक्ति के चरित्र का पता तभी चलता है जब उसके पास कुछ पावर हो। भले हम अपने चरित्र का बखान व प्रदर्शन कैसे भी क्यों ना करते रहें, लेकिन जब शक्ति हाथ में आती है, पोजीशन हाथ में आती है, तो पता चलता है आदमी का वास्तव में चरित्र क्या था, क्योंकि तब उसके पास कुछ कर दिखाने के लिए है ना। षड ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है ना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशोश्रिय ज्ञान वैराग्यस्य शननम। तो छह ऐश्वर्यों के अंदर बलम। तो ये मंदिर का मैनेजर बन गया, और अब इस पद पर आने के बाद इसने सोचा कि ये जो चाहे कर सकता है, और दुरुपयोग होने लगा पद का और कई वैष्णव अपराध करने लगा। आज ये कुआलालंपुर का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति है। तो आप देखो किस पद को छोड़कर कहां गिरा। तो मन में इच्छा थी पैसे की, तो भगवान ने इतना दे दिया कि कुआलालंपुर का सेकंड रिचेस्ट पर्सन बना दिया इसको। लेकिन आज भक्ति पथ में नहीं रहा वो। तो भगवान हमारी सब इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन जब हम अपने इस करुणा को गलत लोगों के प्रति या गलत विचार के प्रति या गलत स्थान पर लगाएंगे तो इसका दुष्प्रभाव पाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा है दूसरे अध्याय गीता के अंदर इस बात को, एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाने जाए कोई और उसको बचाने के बजाय उसके कपड़े को बचा कर निकाल कर आ जाए, तो यानी शरीर के प्रति की गई करुणा जो है हमारे जीवन के अंदर दुष्प्रभाव लेकर आ सकती है। तो शौबरी ऋषि ने द्वेष की भावना प्रकट कर दी। अब इतनी सिद्धियां थी, इतनी प्रकाष्ठा थी कि इतना बड़ा महल, अपने आप को इतना सुंदर युवक बना डाला, इतना सब कर पा रहा। तो साधना भक्ति साधना से हमारे जीवन में सुविधाएं लेकर आती है। इसीलिए एक साधक जब साधना भक्ति करता है, दृढ़ता पूर्वक करता है, तो अब ये साधना उसके जीवन के अंदर सुविधा देगी। अब उस सुविधाओं को वो भगवान की सेवा में लगाए या उसको भोगे, ये उसका स्वतंत्रता है। अगर वो सुविधाओं को भोगने में लगेगा तो अब उसका पतन हो जाएगा भक्ति पथ से, वो भक्ति पथ में स्थित नहीं रह पाएगा। अगर वो इन सुविधाओं को भगवान की सेवा में उलट के बदल देगा तो भगवान और सुविधा दे देंगे उसको, और पोजीशन दे देंगे उसे, और पावर दे देंगे उसे, और शक्ति दे देंगे कि कर मेरी और सेवा कर। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण ने मेरी परीक्षा ली, मुझे सब कुछ देकर ये देखा कि क्या करता हूँ इस सब कुछ को लेकर, क्या कृष्ण की सेवा करता हूँ या भोगता हूँ। और प्रभुपाद जी ने कहा मैंने एक पैसा अपने लिए नहीं रखा, जो कृष्ण ने दिया मैंने सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाया। और इसीलिए देखो कृष्ण ने भर भर कर कितना दिया कि आज पूरे विश्व के हर शहर में प्रभुपाद का घर है। कोई ऐसा स्थान नहीं होगा इस पृथ्वी में जहां प्रभुपाद का घर ना हो, क्योंकि उन्होंने पलट कर जो मिला कृष्ण से, कृष्ण की सेवा के अंदर लगाया। तो साधना सुविधा देती है, भक्ति में आएंगे तो सुविधा मिलेगी, लेकिन इस सुविधा को भोगेंगे या कृष्ण या गुरु की सेवा में लगाएंगे, ये एक साधक का स्वतंत्र विचार है और उसी के अनुसार आगे का भक्ति का जीवन चलने वाला है। और शौबरी ऋषि का ये परिणाम था, साधना से सिद्धि मिली, सिद्धि से दुरुपयोग करा भोग के लिए और पतन के मार्ग पे चले गए। इसीलिए जब हमारे मन में अनर्थ होंगे, जब हमारे मन में काम वासना होगी, तो बाहर जब काम हमारे समीप आएगा तो हम उससे आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो ये आंदोलन बनाया उसमें बहुत विधिवत वैज्ञानिक रूप से हर चीज को व्यवस्थित किया है। एक स्त्री व पुरुष दोनों के अंदर भेद रखा गया है, क्योंकि हमारे अंदर शरीर में हमारे मनों के अंदर स्वतः काम वासनाएं हैं। तो जब हम उस काम की सुविधा के करीब आएंगे तो ये एक रिएक्शन होगा ही होगा, हमारा आकर्षण जागृत होगा ही होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम के अंदर भी स्त्री पुरुष को एक दूसरे का संग करने की खुली छूट नहीं दी गई है,
कि गृहस्थ आश्रम में जाकर कोई खुली छूट ले सकता है या कि वैराग्य के आश्रम में ही परहेज करना है। गृहस्थ आश्रम में भी परहेज दिया गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी, यानी कि वहां पर भी ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा अगर आपके हो अपने मन को भगवान की सेवा में लगाए रखना है। क्यों माता जी प्रभु जी को अलग रखा जाता है एक दूसरे से, क्यों भेद रखा जाता है? इसीलिए क्योंकि काम है ना हृदय के अंदर, तो भले सेवा के नाम पर भी एक दूसरे के अगर करीब आएंगे तो आकर्षण पैदा होगा ही होगा। अहिल्या कोई गलत नहीं थी, वो गौतम ऋषि की पत्नी थी, बहुत बड़ी साध्वी थी अहिल्या, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान ने पूरा युग पलट दिया था। द्वापर दूसरा होता है, त्रेता तीसरा होता है, लेकिन सत्युग के बाद त्रेता आया, द्वापर नहीं आया। द्वापर त्रेता के बाद आया क्योंकि अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र इतनी जल्दी में थे कि युग पलट दिया, उठाकर युग को पहले ले आए। अब जिसका भगवान उद्धार करना चाहते हैं वो कोई साधारण तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अहिल्या ऐसी स्थिति में आई क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि का वेश धारण कर जब इंद्र आए तो अहिल्या को पता चल गया ये इंद्र है, ये गौतम ऋषि नहीं है। लेकिन जानने के बावजूद भी इंद्र का संग उसने जानबूझकर किया, ये समझते हुए कि देखो मैं कितनी विशेष हूं, और इंद्र के पास अप्सराओं की कमी नहीं, लेकिन ये अपने स्वर्ग अमरावती को छोड़कर मेरे पास आया है, मैं कितनी अति विशेष हूं। तो एक अहिल्या जैसी साध्वी के मन में, एक ब्राह्मणी के मन में भी इंद्र को भोगने की इच्छा आ गई। तो फिर हम कोई दूध के धुले नहीं संसार में, कोई भी बड़े बड़े महर्षि बड़े बड़े मनीषी ना, गीता में भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं, उनको अपने मन के प्रति बड़ा जागरूक रहना पड़ेगा, वरना ये काम क्रोध लोभ की इच्छाएं किसी भी परिस्थिति के अंदर हमको गिरा सकती हैं। और शास्त्र ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं, इंद्र कितनी बार ऐसी परिस्थितियों के अंदर पाए जाते हैं, और ये कोई साधारण लोग नहीं है जिनके उदाहरण शास्त्र एकदम एक्सट्रीम उदाहरण देते हैं ताकि हम साधारण जीवन के अंदर भी सचेत रहें। भागवतम में ऐसे एक्सट्रीम उदाहरणों को उठाया गया है, इसलिए उठाया गया ताकि हम अपने साधारण जीवन की साधना भक्ति के अभ्यास के अंदर सचेत रह सकें। शिला प्रभुपाद जी एक बार दीक्षा का कार्यक्रम कर रहे थे और एक बहुत सुंदर लड़की थी जो प्रभुपाद जी से दीक्षा ग्रहण कर रही थी, और प्रभुपाद जी ने उसका नाम दिया रुक्मिणी देवी दासी माता जी। तो जब प्रभुपाद जी उसको बीड्स दे रहे थे, जब माला उसके हाथ में दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी कह रहे थे तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन अब अंदर से सुंदर होने के लिए काम करो। तो इसका मतलब प्रभुपाद जी क्या संदेश दे रहे थे कि कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य बाहर से सुंदर होना नहीं है, अंदर से सुंदर होना है। बाहर से सुंदर होने का मतलब है कि हम बाहर से कई सुविधाओं को या फिर बाहर से कई प्रकार की क्या शब्द कहेंगे, बाहर से कई प्रकार की परिस्थितियों को में महारत हासिल कर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जैसे हम बहुत बड़े महान साधक हो गए, बस योग्यताएं शब्द रहेगा, बाहर की योग्यताएं, जैसे कोई प्रवचन दे सके बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छा कीर्तन कर सके, कोई भगवान का श्रृंगार कर सके बहुत अच्छा, कोई ग्रंथ वितरण में बड़े अच्छे अच्छे स्कोर लेकर आ जाए, कोई फंड रेजिंग बहुत कर सके, कोई भगवान के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मंदिर आदि निर्माण कर सके, ये सब बाह्य योग्यताएं हैं। ये सब की सब बाह्य योग्यताएं हैं जिसको हम देखकर कहते होंगे कि शायद हाँ ये देखो कितना बड़ा काम इस भक्त ने करा है। तो प्रभुपाद जी इस उदाहरण से क्या कह रहे थे, यू आर एक्सटर्नली ब्यूटीफुल, नाउ ट्राई टू वर्क ऑन बिकमिंग इंटरनली ब्यूटीफुल। तुम बाहर से सुंदर हो, अब अंदर से सुंदर होने के लिए काम करो। तो यानी कि इस भक्ति मार्ग में हम बाहर से तो सुंदर दिखते होंगे, एक वैष्णव का परिधान अपने आप में सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर से सुंदर होने के लिए हम सबको परिश्रम करना पड़ेगा। ये बैठे बैठे नहीं हो जाएगा कि हम अंदर से सुंदर दिखने लग जाएं, उसके लिए परिश्रम हर भक्त को खुद करना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी एक कहा जगह पर अंग्रेजी में कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय हर एक को अपना हवाई जहाज खुद ही उड़ाना है। यानी कि मृत्यु के समय हमारी योग्यता कोई हमको बचाने वाली नहीं है कि आपने कितने मंदिर बनाए, कितने ग्रंथ बांटे, कितने प्रवचन दिए, कितनी कथाएं करी, कितने ग्रंथ लिखे और कितने बड़े बड़े कीर्तन करे और कितने लोगों को प्रभावित करा जन समुदाय में। मृत्यु के समय आपको कृष्ण का स्मरण ही बचाने वाला है,
और वो स्मरण बिना वैष्णव कृपा के हो नहीं सकता, वो स्मरण बिना वैष्णव कृपा के नहीं आ सकता, बिना वैष्णव आशीर्वाद के नहीं आ सकता कि हम भगवान का स्मरण कर सकें। तो शौबरी ऋषि ने बाह्य रूप से कई योग्यता हासिल कर ली थी लेकिन इस भक्ति की शुद्धता को नहीं प्राप्त कर पाए थे। तो इसीलिए तपस्या अपने आप में काफी नहीं है हमें माया से बचाने के लिए, जब तक भक्ति ना हो। तो शौबरी ऋषि तपस्वी थे। अब देखिए दूसरी तरफ हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण आएगा। तो हरिदास ठाकुर जी के पास वो नवाब ने एक वैश्या को लक्ष्य हीरा को भेजा कि जाओ हरिदास ठाकुर को आकर्षित करो, प्रभावित करो और इनको पतन करो ताकि मैं दिखा सकूं कि ये ढोंगी है। अब हरिदास ठाकुर जी तीसरे दिन जब वो वैश्या बैठी रही तो उसको कहते हैं मुझे पहले दिन ही पता था तुम किस उद्देश्य से आई थी, मैं जा सकता था उठ के यहां से लेकिन मैं गया नहीं, मैं तुम्हारे लिए बैठा रहा। अब वो वैश्या पहले दिन आई, हरिदास ठाकुर से संग करने की इच्छा करने लगी लेकिन हरिदास ठाकुर कहते मेरी जप संख्या पूरी नहीं हुई, तुम बैठो अभी इधर, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मेरी जप संख्या पूरी होने दो। दूसरे दिन आई और कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मेरी जप संख्या पूरी। तीसरे दिन फिर, और तीसरे दिन वो उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी और मांगने लगी कि मुझे क्षमा कर दो, मैं बड़े घृणित विचार के साथ आई थी। तब हरिदास ठाकुर जी कहते मैं जानता था पहले ही दिन। अब ये हरिदास ठाकुर जी हैं जिनको माया देवी कह रही थी कि मैं ब्रह्मा जी के मन को विचलित कर पाई लेकिन हरिदास के मन को विचलित नहीं कर पाई। अब देखिए क्या तुलना हो रही है यहां। वो माया देवी कहती है कि मैं ब्रह्मा जी को विचलित कर पाई कि वो अपनी पुत्री के पीछे भागने लगे थे, उससे ही आकर्षित हो गए थे, लेकिन मैं हरिदास ठाकुर के मन को विचलित नहीं कर पाई। क्यों नहीं हरिदास ठाकुर के मन को माया देवी विचलित कर पाई? क्योंकि वो सदा कृष्ण के नामों का जाप कर रहे थे। इसीलिए जो सदा भगवान की भक्ति में लगा यही एक तरीका है माया से बचने के लिए, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है कि कोई व्यक्ति माया से बच पाए संसार के अंदर। चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला में कई लोग भाग लेना चाहते थे लेकिन महाप्रभु हर एक को अपनी संकीर्तन लीला में प्रवेश नहीं देते थे। एक दूध पीने वाला ब्रह्मचारी आ गया जो सिर्फ दूध पिया करता था, बस, बड़ा तपस्वी था। श्रीवास ठाकुर जी ने बताया कि देखो महाप्रभु आज एक सिर्फ दूध पीने वाला ब्रह्मचारी है, वो आपकी संकीर्तन लीला में भाग लेना चाहता है, क्या देख सकता है वो? महाप्रभु ने कहा कि सिर्फ दूध पीकर नहीं मुझे पाया जा सकता, कोई इस हद तक की तपस्या करता हो तो वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसका मतलब क्या है? हमारी तपस्या या बाह्य योग्यताएं हमें माया से नहीं बचा पाएंगे। अजामिल भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, अजामिल में कई ब्राह्मण के गुण थे, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं सुशील थे, ब्राह्मणिकल गुण थे और सेवा के लिए ही गए थे जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए। उनके पिता ने भेजा जाओ यज्ञ के लिए लकड़ियां लेकर आओ, लेकिन कहां फंसे जाकर एक वैश्या से, इस हद तक फंसे कि जाकर उससे विवाह तक कर लिया, अपने माता पिता को घर से निकाला, अपनी विवाहिता पत्नी को घर से बाहर निकाला। अजामिल के बाह्य गुण उसे रोक नहीं पाए इस अवस्था तक गिरने के लिए। तो जब तक हृदय का शुद्धिकरण ना हो जाए ये हृदय के अनर्थ ऐसे पीछा नहीं छोड़ देते हम लोगों को, ये ऐसे ही नहीं चले जाते हमारे जीवन से। कर्दम ऋषि कैसे, वो संतान को उत्पन्न करने के लिए पहले तपस्या करते हैं फिर तपोबल से देवहूति के साथ उनका विवाह होता है। अब वो देवहूति के लिए इतने बड़े महल की रचना तो करते हैं, देवहूति को स्वयं अपने साथ ले जाकर महल का कोना कोना और सुविधा दिखाते हैं लेकिन स्वयं कर्दम ऋषि वहां रहते वहां से प्रभावित नहीं हुए थे, वो उस भोग से प्रभावित क्यों नहीं हुए? इसीलिए जब हमारा मन हृदय बुद्धि इंद्रियां शुद्ध होंगी तो ये जो माया के अलग अलग रूप है ना ये प्रभावित कर नहीं पाते हम लोगों को। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बुद्धि का शुद्धिकरण शास्त्र के अध्ययन से होता है, इंद्रियों का शुद्धिकरण सेवा से होता है, मन का शुद्धिकरण मंत्र से होता है और मिथ्या अहंकार का शुद्धिकरण गुरु की सेवा से होता है, महत सेवा। तो
तो ये चारों सूक्ष्म तत्व जब तक शुद्ध ना हो तो ये माया देवी हर क्षण प्रतिशन कोई ना कोई कारण निकाल ही आएगी जिससे हमको आकर्षित कर लेकर चली जाएगी। तो भागवतम हमारे सामने ऐसे उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि बद्ध जीव आकर्षित हो जाता है लेकिन जड़ भरत जैसे मुक्त जीव रंच मात्र के लिए भी आकर्षित नहीं हुए। उन्होंने एक बार नहीं सोचा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भले जड़ समान व्यवहार करते थे, पागल समान व्यवहार करते थे, लोग उन्हें पत्थर मारे, गाली दें, कुछ भी कहें, उनके बारे में कुछ अंतर ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मन भगवान में इतना रम गया था, इतना लग गया था। शिला प्रभुपाद जी की रोज मसाज होती थी, मालिश की जाती थी, क्योंकि रात दिन इतनी सेवा करते थे तो रात्रि में सोते भी नहीं थे, तो प्रत्येक दिन प्रभुपाद मालिश कराते थे। तो एक दिन एक स्थान पर प्रभुपाद जी मालिश हो रही थी, उनका एक शिष्य मालिश कर रहा था और जैसे प्रभुपाद जी पेट के बल लेटे हैं और सामने एक शीशा लगा हुआ था, तो जो भक्त प्रभुपाद जी की मालिश की सेवा कर रहे थे तो मालिश करते करते शीशे में बार बार अपने आप को देख रहे थे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आदत होती है ना हमारी बद्ध जीव में कि मैं कैसा लग रहा हूँ, दूसरे मुझको कैसा प्रसीव कर रहे हैं। तो कभी कभी अपना अंग रख जो होता था उसको ठीक करते, कभी शिखा देखते, कभी तिलक देखते सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, कभी अपने एक्शन देखते प्रभुपाद जी का, कभी शरीर को मसाज करते मालिश करते कैसा लग रहा हूँ। प्रभुपाद जी एक आंख खोल कर देख रहे थे ये क्या कर रहा है बीच बीच में, है ना। तो प्रभुपाद जी तो माइंड रीडर थे, वो व्यक्ति के चेहरे को देखकर पहचाना करते थे कि इसके मन में क्या होता है। अब वहां खुद ही उपस्थित आंहला की आंखें बंद कर लेटे थे लेकिन बीच में कभी एक आंख खोला करते थे। और उसी समय एक भक्त अंदर आया कुछ कहने प्रभुपाद जी को, और प्रभुपाद जी प्रवेश कर रहे थे, कोई अंदर आए और बोलूं मैं कुछ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तो तुम, और वो ब्रह्मचारी थे, तो प्रभुपाद कहते हैं शादी करना चाहते हो, तुम विवाह करना चाहते हो। तो वो घबरा गया, बोला नहीं 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 प्रभुपाद जी नहीं, मैं क्यों विवाह करना चाहूंगा। तो लड़खड़ाने लग गई जवान प्रभुपाद जी के सामने, नहीं 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 मैं क्यों जवाब मैं ऐसा करना चाहूंगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर इस शरीर के प्रति इतने आसक्त रहोगे तो विवाह कर बैठोगे, नहीं रह पाओगे इस आश्रम में तुम। तो देखिए ये प्रवृत्ति कितनी बलशाली है हमारे अंदर, कि ये माया शक्ति प्रभावशाली नहीं है, एक्चुअली हम सब माया से खुद इतने आकर्षित हैं कि माया को ज्यादा हम पे मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अब हरिदास ठाकुर पे तो बहुत मेहनत करनी पड़ी माया को, लेकिन फिर भी माया फेल हो गई, लेकिन हमारे ऊपर माया को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए माया तो हम पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उसका ध्यान तो ऐसे भक्तों पर है कि उनको कैसे गिराऊं, हम तो ऑलरेडी गिरे पड़े हैं, तो क्या माया हमारे ऊपर क्या आकर्षित डालेगी, क्या आकर्षण करेगी और क्या प्रभाव डालेगी। परम पूज्य सचिनंदन स्वामी एक बार कह रहे थे कि जब वो भक्ति में आए तो बर्लिन के अंदर प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों से जुड़े थे, प्रचारित हुए इस्कॉन में जुड़े थे, तो प्रभुपाद जी से अभी तक मिले नहीं थे, व्यक्तिगत भेंट नहीं हुई थी उनकी, तो उनके मन में कई प्रश्न थे। उन्होंने सोचा था कि प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ा करते थे, सोचा जब मिलेंगे प्रभुपाद जी तो प्रश्न करूंगा उनसे। तो एक दिन आमना सामना हुआ, प्रभुपाद जी से भेंट हुई, अवसर मिला उन्हें बात करने का, तो प्रभुपाद जी से प्रश्न किया उन्होंने डरते हुए संकोच करते हुए कि प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण ने माया क्यों बनाई, माया क्यों बनाई, इतना परेशान करती है हमें भक्ति मार्ग में, हमको बार बार व्यथित करती है, आकर्षित करती है, सीधी नहरे नहीं देती हमको, सीधा चलने नहीं देती, क्यों बनाई भगवान ने माया, क्या नहीं चाहते वो हम भक्त बने सीधे चले इस रास्ते पे। तो प्रभुपाद जी साधारणता बड़े प्रेम से डील किया करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी बड़े रहस्यमय तरीके से चिल्लाने लगे उनके ऊपर, और चिल्लाते हुए कहते हैं कृष्णा डिड नॉट क्रिएट माया, यू क्रिएटेड इट। कृष्ण ने माया नहीं बनाई, तुमने बनाई है माया, क्योंकि तुम कृष्ण से अलग जाके भोग करना चाहते थे, इसलिए कृष्ण ने माया बनाई तुम्हारे लिए। तो डर गए उत्तर सुन के, ऐसा प्रभुपाद जी ने ऐसी ऊंची आवाज कर बोला, वो हिल गए अंदर से, अगले दिन ही मंदिर ज्वाइन कर लिया। समझ में आ गई, यही बात समझ में आ गई, ये शुद्ध भक्त हैं, चाहे वो कैसे भी कुछ क्यों ना कह दें, सुनने वाले पर जो प्रभाव पड़ेगा वो सकारात्मक ही पड़ेगा। उनका दर्शन ही पवित्र करो वही तोमार गुण, जब दर्शन ही पवित्र करने वाला है तो फिर शब्द कैसे होने चाहिए।
तो इसीलिए हम सब भौतिक भोगों से इतने आसक्त हैं कि कृष्ण रह रहकर हमारे सामने चुनाव प्रस्तुत करते हैं, क्या चाहिए तुम्हें, कृष्ण के करीब आना चाहते हो या कृष्ण से दूर जाना चाहते हो। तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विशेष सेवा दी कि ऐसी सुविधा बनाओ कि जहां पर काम भी हो, क्रोध भी हो, लोभ भी हो, ताकि बद्ध जीव ये इच्छाएं लेकर आए और फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। और हम सब तीन गुणों से प्रभावित ऐसी इच्छाओं के साथ ऐसे जगत में हैं जहां ब्रह्मा जी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ डालकर रखा हुआ है। अब ऐसे अवसर क्षण क्षण में मिलेंगे, प्रति क्षण मिलेंगे, इसीलिए हमें अपनी खुद की इच्छाओं पर काम करना होगा। अगर कोई साधक अपनी खुद की इच्छाओं पर काम न करे, प्रभुपाद जी देते हैं प्रथम स्कंद में भीष्म देव की देह त्याग के अध्याय के अंदर ये वार्ता लिखते हैं कि भीष्म देव के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये कितनी बड़ी बात है कि जब तक ना चाहे तब तक देह नहीं छूटेगा उनका, कोई साधारण बात थोड़ी है। भीष्म देव के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन फिर भी भगवान के रूप के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे थे। देह त्यागते वक्त भगवान पारसारथी रूप में उनके समक्ष बैठे थे और प्रभुपाद जी लिखते हैं वो पारसारथी लोक में गए, भगवान को देखते दर्शन करते हुए गए। तो इतनी बड़ी वरदान होने के बावजूद भीष्म देव क्यों भगवान के रूप के ऊपर अपने मन को केंद्रित कर रहे थे? क्योंकि मन को शुद्ध करना चाहते थे, गंतव्य के लिए विचार नहीं कर रहे थे मुझे क्या गति प्राप्त होगी, लेकिन मेरा मन शुद्ध होना चाहिए, ये भीष्म देव जी का विचार था। इसीलिए एक शुद्ध भक्त का विचार क्या होता है, वो ये चिंता नहीं करता कि मैं भगवद्धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, वो ये चिंता करता है कि क्या मेरा मन शुद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या मेरे मन से बुराइयां जा रही हैं या नहीं जा रही। वो इस बात पर फोकस नहीं करता गोलोक वृंदावन। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे कि देखो दीक्षा मिली है तुम्हें, दीक्षा के पहले नाम पर ध्यान मत दो, दीक्षा के बाद वाले नाम पर ध्यान दो। एक भक्त को नाम दिया उन्होंने किशोर दास। वो प्रभुपाद जी से पूछने आए, प्रभुपाद जी ये किशोर का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद जी कहते हैं फोकस ऑन लास्ट नेम, अंतिम नाम पे ध्यान दो, पहले वाले भाग पर ध्यान मत दो। यानी कि अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि हम सबको अपने मनों के प्रति सचेत रहना पड़ चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण के प्रति कॉन्शियस और माया के प्रति कॉशियस। कृष्ण के प्रति ध्यान रखिए और माया के प्रति सावधान हो जाइए। हम कृष्ण के प्रति सावधान हो जाते हैं और माया के प्रति ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, माया के विचारों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कोई भी बाह्य योग्यता इस संसार में हमें बचा नहीं सकती, एक ही योग्यता बचा पाएगी और वो है शरणागति। बिना शरणागति के इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकाला जा सकता, और यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज व पूर्ववर्ती आचार्यों का संदेश है। एक बार बहुत सुंदर प्रवचन दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने। एक भक्त ने आके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की बड़ी प्रशंसा की, महाराज क्या प्रवचन दिया, कमाल कर दिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं क्या बोला मैंने प्रवचन में? और उसने बोलना शुरू कर दिया, आपने ये बात बताई, ये बात बताई, ये बात बोला, ये सच में मैंने बोला था, बोला सच में मैंने बोला था, अरे मैं तो गोबर गणेश हूं, मैं कहां बोल सकता हूं ये बात। तो अभिप्राय क्या है? भक्त शुद्ध जो है वो सिर्फ भगवान की शरणागति पर ध्यान दे रहे हैं, ना कि अपने गंतव्य पर। और शौबरी ऋषि के पतन का यही मुख्य कारण बना, और इतिहास गवाह है जब जब साधकों ने ये त्रुटि की है तब तब वो इस माया शक्ति में फंसे हैं। तो इसीलिए इस उदाहरण को भागवतम में डाला गया है कि हम सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। अगर किसी चीज पर ध्यान देना है तो वो है गुरु कृष्ण के प्रति सेवा पर और उनकी शरणागति के ऊपर। यही हमारे लिए एकमात्र सिद्धि का मार्ग है। हरे कृष्णा। तो यही विराम देंगे। विराम दे प्रश्न। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी को भगवान ने यह आदेश दिया कि ऐसे संसार का निर्माण करो जिसके अंदर सारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मांस, शरीर,
और उसने हमें भी भेज दिया कि अंशुजन के साथ और साथ में भक्ति भी करूं। और इनसे बचने का केवल एक ही उपाय आपने जैसे अंत में बताया वो है शरणागति। तो शरणागति ही तो थी अगर देखा जाए, सोबरी ऋषि यमुना जल में आकर जप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, या जो आप जैसे बताते हैं, हम तो वैसे माया में हैं, माया तो उनके लिए स्ट्रगल कर रही है जो बहुत ज्यादा भक्ति में एकदम लीन हो गए हैं। तो आखिर एक साधक क्या करे, नाम जप कर रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके लिए कर रहा है, इसके अलावा शरणागति की और क्या डेफिनेशन है? क्योंकि माया तो हर समय एक कहना चैलेंज देती है कि ना पतन करने का एक कारण बनती है, तो किस तरह से शरणागति होगी जिससे हम माया से बच सकें? अच्छा प्रश्न है आपका। तो शरणागति का मतलब है हर क्षण प्रति क्षण जो भी हम कर रहे हैं साधना भक्ति के अंदर आभारी रहना गुरुजनों का, भक्तजनों का, वैष्णवजनों का, कि जो मुझे मिला है उसके प्रति मैं रंच मात्र भी योग्य अधिकारी नहीं हूँ। योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए तोहार करुणा सार, कि अगर योग्यता देखने जाओगे तो मैं कहीं से भी योग्य नहीं हूँ। एकमात्र आपकी कृपा है गुरुदेव, जिसकी वजह से ये रास्ता मुझे मिला है, और उस कृपा के कारण ही मैं इस रास्ते पे बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ। जिस दिन भी हम ये आभार खो देंगे उस दिन समझ लीजिए माया का बड़ा कड़ा प्रभाव आने वाला है हमारे ऊपर, और साधारणतः हम ये आभार मेंटेन नहीं रख पाते। कुछ समय के बाद हम सोचते हैं कि हम वास्तव में बड़े योग्य हैं। प्रारंभ में हो सकता है क्योंकि हमने अपना हमारा इतिहास इस भौतिक जगत के अंदर शुद्ध नहीं रहता, बहुत रेयरली कोई बड़े शुद्ध अवस्था से उठकर इस भक्ति पथ में आता होगा, क्योंकि ये कलयुग बड़े पतितों का युग है। तो हम बड़ा अंतर देख पाते हैं अपने पूर्व जीवन और वर्तमान जीवन के अंदर, आभार रहता है मुझे क्या मिला है। लेकिन जैसे जैसे इस रास्ते पे पुराने होते हैं अब हमें लगता है ये हमारी संपत्ति है, मैं अधिकारी हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, अपने इतिहास को भूल जाते हैं हम। अब प्रभुपाद जी के जीवन को देखिए, प्रभुपाद ने कभी किसी कार्य का श्रेय नहीं लिया, हमेशा श्रेय अपने गुरुदेव को दिया है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं लेकिन श्रेय नहीं लिया किसी बात का। आप पूर्वती आचार्यों के जीवन में देखिए, कभी उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया, हमेशा श्रेय दिया है। भक्तिनाथ चतुर्थी महाराज को कहा जाता था, ऐसी अंग्रेजी बोलते थे कि अंग्रेज लोग भी समझ नहीं पाते थे। आज भी प्रभुपाद के अमेरिकी शिष्य तक लोग बोलते हैं कि उनकी अंग्रेजी को समझने के लिए हमें भी डिक्शनरी खोलनी पड़ जाती है, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी। तो उनसे पूछा गया, आप ये शब्द कहाँ से चुनकर लाते हो? उनका उत्तर सुन देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं मेरा शब्दकोश मेरे गुरु के चरणों में है। अब उनके गुरु की अगर बात देखें तो उनको लिखना पढ़ना भौतिक दृष्टि से आता नहीं था, गौर किशोरदास बाबा जी, लेकिन क्या उत्तर दे रहे हैं, मेरा शब्दकोश मेरे गुरु के चरणों में। ये आभार ही एकमात्र हमें बचा सकता है, और इस आभार को ही हमें विकसित करना है कि हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन हमें कुछ जो भी दिया गया है वो सिर्फ मात्र कृपा है गुरुजनों की। अगर इस आभार को मेंटेन रखेंगे तो अब ये हमको बचा पाएगा इस रास्ते में। तो यानी कि इसे शरणागति व निर्भरता कहा जाता है, ये विकसित करना ही साधना भक्ति का लक्ष्य है। तो साधना भक्ति में प्रगति जो है वो इस कृपा के माध्यम से ही है, हमारी 64 माला के माध्यम से नहीं है। 64 माला आकर्षित करेगी उस कृपा को, उद्दार कृपा ही करेगी अंततः। लेकिन अगर उस 64 माला के पीछे भावना ये है कि मैं कितना विशेष हूँ, बाकी तो 16 कर रहे हैं, 32 कर रहे हैं, 48 कर रहे हैं, मैं 64 कर रहा हूँ, मैं अति विशेष साधक हूँ, तो बेहतर है वो 16 वाला फिर, जो विनम्र होकर गुरु के प्रति समर्पित होकर माला जाप कर सके। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।